के द्वारा स्वागत किया जाएगा। श्री तुलसी महिला जल समारोह समिति हर वर्ष समिति की अध्यक्षा बहन सुश्री तुलसा वर्मा जी के नेतृत्व में विशाल महिला जल समारोह का आयोजन करती आई थी। दो वर्ष कोविड की वजह से यह कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सका। इस वर्ष पुनः उसी कार्यक्रम की पुनरावृत्ति हुई है। बड़ी विशाल संख्या में आज होली मिलन समारोह रंग पंचमी के इस पावन पर्व पर तुलसी गार्डन में आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने, पुरुषों ने और समस्त हमारे कार्यकर्ताओं ने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैं तुलसी महिला जल समारोह समिति की अध्यक्षा बहन तुलसा वर्मा जी को, उनके पूरी सहयोगियों की टीम को और समस्त कार्यकर्ताओं को होली और रंग पंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना प्रेषित करती हूँ। आज उन्होंने कुछ सामाजिक व्यक्तियों को सम्मानित भी किया है और उसके साथ ही साथ सहभोज का कार्यक्रम भी किया है, तो एक आनंद का कार्यक्रम जिसमें भगवान कृष्ण और राधा के स्वागत का महोत्सव है और उसके साथ ही साथ फूलों की होली का एक रंगारंग कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है। एक अच्छे कार्यक्रम के साक्षी हम सब यहाँ बनने जा रहे हैं। बहन तुलसा वर्मा जी को, श्री तुलसी महिला जल समारोह समिति को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी को होली और रंग पंचमी की शुभकामनाएं। कोविड के बाद ये पहला ऐसा आयोजन देखने को मिला, कैसा लगा? सभी को बहुत उल्लास और उत्साह है। सभी के मन में ये चीज जरूर थी कि दो वर्षों से हम अपने त्योहारों को मना नहीं पा रहे थे और होली के त्योहार की चीज तो सबसे ज्यादा थी, क्योंकि यही वह त्योहार है जो सारे राग द्वेष भूल कर, सारे गिले शिकवे भूल कर, सभी को एक दूसरे को रंग लगाकर गले लगाने का त्योहार है। तो आज निश्चित रूप से सबकी वह अभिलाषा पूरी हुई है। ईश्वर ने हम सबको स्वस्थ रखा, बचा कर रखा और आज हम त्योहार मना रहे हैं। हम ईश्वर का भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि उनकी कृपा से ही हम यहाँ यह त्योहार आज मना पा रहे हैं और इसलिए हम सब मिलकर भगवान कृष्ण और राधा जी के इस फाग महोत्सव का आनंद लेते हुए उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। देखिए, हमको आज 18 वर्ष हो गए हैं जो हम श्री तुलसी रंग पंचमी जल समारोह के रूप में कार्यक्रम करते आ रहे हैं। यहाँ हमने 100 बहनों से हमने जुलूस निकाला। आज 1000 से 2000, 3000, 5000 तक बहनें आती हैं। यदि एकत्रित हो जाती हैं वो एक जगह तो बहुत विशाल हो जाता है, क्योंकि कॉलोनियां लगी हुई है। हमारी बहनें आती जाती हैं और दूसरी आती है, फिर वो जाती है, दूसरी आती है। ऐसे हमारे जल समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए हमारी सारी कॉलोनी की बहनें निकल निकल के आती हैं, कार्यक्रम को सफल बनाती हैं। और हमको पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी के द्वारा हमने ये कार्यक्रम चलाया था और आज भी चला रहे हैं। और हमको ऐसा नहीं लग रहा कि आज हमारे बीच में गौर जी नहीं है, और हमको ताकत देने वाले, शक्ति देने वाले और शक्ति स्वरूपा के रूप में हमको दीदी को बीच में भेजा है, जो हमारी सबकी लाडली बहन है। दीदी के द्वारा और हमारे बाबूजी को हमें लगता ही नहीं है कि बाबूजी यहाँ नहीं है, लेकिन हमें 18 वर्ष हो गए और शायद ये 19वां वर्ष है जो कि हम लोग रंग पंचमी का ये जल समारोह कार्यक्रम और होली मिलन समारोह के रूप में आज हमने कार्यक्रम किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि इस वर्ष कोविड-19 को देखते हुए जो पूरे शहर में और हमारे जिस वार्ड में है और ऐसे पूरे शहर में ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ से हमारा कोई भाई या कोई बहन हमको छोड़ के ना गए हों। तो इस रूप में मेरे को कहीं बहुत तकलीफ भी थी कि मैं कहीं हैंडविल लेके जाऊं कि दीदी आपको हमारे जल समारोह में आना है, और तो मुझे वहाँ कि उनके परिवार का सदस्य नहीं, वो मेरे परिवार का सदस्य था जो हमको छोड़ के गया है। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, राधा रानी सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि आज वो भले हमारे बीच में नहीं है और हमारे जो बहन भाई गए हैं राधा रानी सरकार के श्री चरणों में वो रहें और राधा रानी सरकार की अलवेली सरकार में अपने वो त्योहार मनाते रहें, उनके श्री चरणों में वो विराजमान रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और ये कार्यक्रम इस बार हमने नहीं निकाला है और इसको दूसरा रूप दिया है, होली मिलन समारोह, और हमारे यहीं से चल के हमारा एक जुलूस के रूप में हमारा ये कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।
और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारी गोविंदपुरा विधानसभा की विधायक और लाडली दीदी श्रीमती कृष्णा गौर जी, और वो कितने पदों से उद्बोधित करूं वो मैं अभी बताऊंगी तो 10 मिनट लग जाएगा मुझे, है ना। हमारी पूर्व महापौर भी रही हैं और हमारी पर्यटन विकास निगम की चेयरमैन भी रही हैं, और आप देख रहे हैं हमारी पिछड़ा वर्ग महिला की अध्यक्ष हैं वो, और पिछली बार में हमारी जो दीदी महापौर के रूप में रही है, जो हमारे गोविंदपुरा विधानसभा नहीं हमारे पूरे भोपाल शहर को बहुत अच्छी सौगात दी है, सबका साथ सबका विकास सबका सम्मान सर्वस्पर्शी और सबको चाहने वाली और सब उनको चाहने वाले ऐसी लाडली दीदी का हम चीफ गेस्ट के रूप में आई है हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम हमारा नहीं, राधा रानी सरकार का है, और वो सब कुछ स्वयं कृष्ण है, और कृष्ण के रूप में एक राधा रानी के रूप में वो यहाँ विराजमान होती हैं, तो वाकई में जहाँ वो जाती हैं, जहाँ उनके चरण रखते हैं, वहाँ पर सरकार खुद स्वयं आती है। ऐसी राधा रानी सरकार को मैं बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे गोविंदपुरा विधानसभा के हमारे हमारी विधानसभा प्रभारी सह प्रभारी मंडल के अध्यक्ष जिले के पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और जितनी सारी बहनें उपस्थित हुई हैं उनका सबको मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, पूरा आभार व्यक्त करती हूँ कि जिस तरह सारे रंग एक हो जाते हैं, बाकी हमारे सारे गिले सिकवे छोड़ के हमको सब एक हो जाना चाहिए, क्योंकि बाकी बिहारी के दरबार में सब एक होते हैं और इस दुनिया में आए हैं, तो हमें राधा रानी की सरकार के साथ रहना है, क्योंकि राधा रानी सरकार अलवेली सरकार है, उसकी सरकार के आगे सारी सरकारें नतमस्तक। जगन्नाथ का भात और जगत पसारे हाथ, और जगन्नाथ का भात आज भगवान जगन्नाथ जी का धाम मैं पहुंच गई हूं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बाबा हमारे बीच में है और उनका भात आज हम सब लोग ग्रहण करेंगे। इसी के साथ मैं सबको बहुत बधाई देती हूं, बहुत शुभकामनाएं देती हूं, राधा रानी सरकार की जय, और राधा रानी सरकार हमारे साथ में है, उस सरकार को मैं प्रणाम करती हूं, जय हिंद। मैं खुशी के लम्हों की माला पिरोता हूँ, खूबसूरत यादों को सजाता हूँ, यादें जो कि याद रह जाती है, अपने घर और ऑफिस के प्रोग्राम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए खूबसूरत सी फोटोग्राफी और वीडियो शूट कराने के लिए संपर्क करें HR 1931 Housing Board, Karol, Bera, Sierra Road, Bhopal, contact 9666 95 30 217। हमारे यहाँ होली होती है और होली के बाद फगुआ होता है, होली के 2 दिन बाद तक लगातार चलता है, पर हमारे जो बिंद के लोग हैं जहाँ रहते हैं वहाँ के संस्कारों को भी
और वहाँ के फंक्शन को भी महत्व देते हैं। मालवा निवाड़ में रंग पंचमी मनाई जाती है, उस रंग पंचमी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है कि बिंद के सभी लोग इकट्ठा हों और रंग पंचमी का त्योहार भी मनाए और अपने बिंद के पुनर्निर्माण की बात करें। क्या संदेश देना चाहते हैं आप? सभी को शुभकामना है, हमारी रंग पंचमी की शुभकामना है। जिस तरह सभी रंग मिलकर किसी रंग का पता नहीं चलता, उसी तरह हमारे बिंद के जो लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, देश के लोग त्योहार भी मनाते हैं और बिंद के लोग अब आगे तय कर चुके हैं कि सभी लोग एक जैसे एक साथ होकर मिक्स होकर बिंद का पुनर्निर्माण कराएं। मैं रमाकांत दुबे, हमारा यहाँ एक बहुत बड़ा संगठन है बिंद एकता पर, 22 साल पुराना संगठन है। पास के लोगों ने हमने दायित्व सौंपा है, हमारे प्रांताध्यक्ष सम्माननीय महेंद्र शर्मा साहब हैं, हमारे महामंत्री एस बघेल साहब हैं, हम सभी लोग यहाँ बिंद के लोग जो हैं, कम से कम 4 लाख लोग हम निवास करते हैं भोपाल संभाग में, भोपाल शहर में, और हर वर्ष हम लोग होली मिलन समारोह मनाते हैं, बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं, सभी से भाईचारा से मिलते हैं, हृदय से हृदय मिला करके हम लोग काफी आनंदित होते हैं, और ये सभी बिंद के जो हमारे लोग हैं उनको भी आनंद पहुंचाते हैं और आनंद देते हैं। आज भी होली का ये महोत्सव है, आज रंग पंचमी का दिन है, सभी लोग रंगों से भरे हुए हैं और सभी बड़े आनंद पूर्वक मयूर पार्क में हम लोग सब होली मना रहे हैं, और सभी के कल्याण के लिए उस ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि वो सभी लोग अपने अपने घर में जो जहां निवास कर रहे हैं बड़े आनंद के साथ इस शो को मनाए। इसी के साथ कुछ हमारे लंबे समय के बाद में आज होली के पर्व को खुल के मनाने का अवसर मिला है, कैसा महसूस करें, क्या संदेश रहेगा आपको? ये नहीं, बनाया तो हर वर्ष जाता है, लेकिन कभी क्या होता है कुछ लोग कम आनंदित होते, कभी ज्यादा आनंदित हो जाते हैं, आज लोग इतने भरपूर आनंदित है, इसलिए आपको दिखाई पड़ रहा है कि मतलब काफी जोर तोर से ये पर्व मनाया जा रहा है और काफी लोग प्रसन्नचित में है, काफी उल्लासित है, ऐसा आपको देखने मिल जा रहा है। महेंद्र शर्मा उपाध्यक्ष, बिंद का अध्यक्ष, ये बिंद क्षेत्र के होली मिलन समारोह मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे बिंद क्षेत्र में एकता बनी रहे, आपस में भाईचारा बनी रहे, जो एक बिंद प्रदेश की संस्कृति है वो कायम रहे। ये भात गीत जो है बहुत बड़ी संस्कृति है, प्रसमुख संस्कृति है बिंद प्रदेश में, साथ ही वर्तमान में बिंद प्रदेश की राज्य को मान को लेकर मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी जी बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं और वहाँ से जनप्रतिनिधि भी लगे हुए हैं और पूरे प्रदेश जो भोपाल में निवास रहते हैं लाखों की संख्या में बिंद प्रदेश के वो भी उनका कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं। इसका भी एक उद्देश्य है कि एक संपन्न बिंद क्षेत्र, एक संपन्न राज्य आज पहले था और सिंध का पुनर्निर्माण हो, सिंध एक राज्य बने, ये तमाम बातों को लेकर हम लोग यहाँ पर होली मिलन समारोह का आयोजन हर वर्ष करते हैं। 2 साल कोरोना काल में नहीं कर पाए, लेकिन कोई ना कोई उद्देश्य हम लोगों का रहा है कि हम लोग एक हो, एक संस्कृत हो, एक भाषा हो, एक लक्ष्य हो। और बहुत धन्यवाद। नारायण त्रिपाठी जी हैं जो कि अब बिल्कुल भाट गाने के लिए यहाँ पर बैठ गए हैं और भाट गीत बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर गाया जा रहा है। देखिए ये सारे मीडिया बंधु हैं और बहुत सारे कैमरे लगे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे लोग इनको कवरेज करने में लगे हुए हैं और आज बहुत ही प्यारा तबला बजा रहे हैं, ये जो तबले हैं तो इनकी यही पहचान है कि एक सुपरहिट नेता है जो कि सांस्कृतिक प्रोग्रामों के अवसर पर भी
यहाँ पर प्रोग्राम को मैं चाचा लगाने के लिए आए हैं और इनके ऊपर फूलों की बारिश हो रही है। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये फूलों की बारिश और गुलाल फेंका जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत ही फसल वृंदावन में ये होली खेलने का जैसा प्रयास यहाँ पर भी किया जा रहा है। और बहुत ही गर्व की बात है कि मयूर पार्क में आज बहुत अच्छा गीत संगीत का प्रोग्राम रखा गया है, बहुत बहुत बढ़िया है। सारे के सारे दर्शक हमारे देख रहे हैं और बहुत ही बहुत अच्छा यहाँ पर लग रहा है कि ये सारे के सारे फिल्म के नेता नारायण त्रिपाठी जी से बहुत प्यार करते हैं और यही वजह है कि सारे के सारे लोग एक हजूम का उम्र पढ़ाए महिला शक्तियाँ भी है जो कि यहाँ पर नारायण त्रिपाठी जी को जो फूलों की बारिश फूलों की वर्षा कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा अनोखा प्रदर्शन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर इन गानों को गाया जा रहा है, ये बहुत ही खुशी की बात है। आइए हम मिलते हैं आगे किसी और फंक्शन में। उनके लिए हमेशा साथ पर खड़ा रहता हूँ, कोई भी काम होता है हमेशा मैं उसकी मदद करता हूँ, छोटा हो बड़ा हो गरीब होगा कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करता हूँ, मुझसे जो बनता है। आपने निरंतर जो जनता की सेवा भी की है और आगे भी अब करते रहे कर रहे हैं, और आगे का फिर क्या है? 15 साल सरपंच रहा कंटिन्यू, 5 साल मेरे श्रीमती जी नगर पालिका अध्यक्ष बने, पब्लिक की सेवा ही की हम लोगों ने। बाकी आप लोगों ने सुना भी होगा कई लोगों की जांच होती ये होती, 15 साल कभी आज तक कोई रिकॉर्ड कोई जांच नहीं, 5 साल नगर पालिका में हमारी ऐसी कोई जांच वाँच का कोई पता नहीं। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। बाकी सरपंच लोगों की देखा होगा आप पेपर भी पढ़ते रहते हो, सरपंच का सचिव का किसी का पेपर में आता रहता है, आए दिन पेशी वैसे करते रहते हैं, लेकिन ईश्वर की मर्जी और आप लोग भाइयों के सहयोग से बहुत अच्छा कारोबार चलाया। इतना अच्छा संयोग है आज रंग पंचमी के मौके है उत्सव अवसर पर आपका जन्मदिन, इस पर आप क्या कहते हैं? ईश्वर की बढ़ती हो तो क्या है, जन्म जब हुआ होगा वहाँ तक जाता रहता था। ये कौन सा जन्मदिन है आपका? कितने का जन्मदिन था? 22 मार्च 1967 का जन्म है मेरा। जी गुरु जी, आप समझते हैं जनता जनार्दन को भक्तों को जय श्री राम। आपके इस पावन भोपाल शहर में आप समस्त अथक भक्तों के प्रयास से यह दिव्य 9 दिवसीय राम कथा ज्ञान गंगा का आयोजन किया गया है। अतः आप समस्त श्रद्धालु भक्तों से एक ही निवेदन करना चाहेंगे इस मीडिया से और इस चैनल के माध्यम से, जो हमारे सभी भैया लोग ये तन मन से कार्य कर रहे हैं, कि इस चैनल के माध्यम से आप तक समस्त भक्तों को अगर जानकारी मिल जाए और कथा सुनने का समय मिल जाए तो इस समय का सदुपयोग कीजिए। जीवन में सब कुछ मिल सकता है पर भगवत भजन बड़ी, जब भगवान की कृपा होती है तब हम आपके हृदय में कुछ समय श्री राम जी की कृपा हो सकती है। अतः आप सभी लोग इसी प्रकार से आए, कल से कथा शाम 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक कार्यक्रम 7 बजे तक चलेगा और फिर जैसा श्रोता समुदाय की इच्छा होगी उस प्रकार से चलेगा। और आइए हम आप सब कथा को प्रवेश करते हैं, कथा में मंगलाचरण के साथ। अतः आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहें।
भगवान को प्रणाम।